ओके गाइज, जो मेरा तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, यदि आप लोगों ने इसका पार्ट पहला नहीं देखा है तो पहले आप लोग पार्ट पहला देख लीजिए, ये पार्ट टू है मेरा, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है गाइज, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 अंडर रूट 3 हो तो इसका परिमाप ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं जो सम हो यानी इक्वल हो, उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 24 अंडर रूट 3 हो तो इसका परिमाप ज्ञात करें। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है गाइस क्या होता है, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा गाइस मेरा, ये होता है अंडर रूट 3/4 गुना में भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो क्षेत्रफल दिया है वो कितना दिया है गाइस, यानी अंडर रूट 3/4 बराबर, सॉरी, अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर बराबर 24 अंडर रूट 3, ठीक है। तो यहाँ से अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा और ये मेरा भुजा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 24 × 4, आया समझ में। अब फिर यहाँ से देखिएगा, ये जो भुजा स्क्वायर है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4 × 6 यानी 24 हो जाएगा और गुने 4। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, दोनों तरफ अंडर रूट चढ़ा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट यहाँ पर चढ़ाऊँगा तो ये तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और भुजा, और यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा तो 4 × 6 × 4, ठीक है। तो यहाँ से मेरा जो भुजा आ गया गाइस कितना आ गया, यानी 1/4 को मैं बाहर लेकर आऊँगा और अंडर रूट 6 हो जाएगा, तो ये मेरा भुजा आ गया। लेकिन इसमें पूछ रहा है इसका परिमाप ज्ञात करना है, तो इसका परिमाप क्या होता है, यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है गाइस, समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा 3 × a, है ना, बराबर 3 × a का मतलब भुजा होता है। तो आप लोग क्या कीजिए, 3 × भुजा कितना निकला गाइस, 4 × 4 और अंडर रूट 6, तो 4 × 3 = 12, यानी 12 अंडर रूट 6 जो है मेरा इसका राइट आंसर होने वाला है। तो आइए ऑप्शन चेक करते हैं, पहला ऑप्शन है 16 अंडर रूट 6 और दूसरा है 96, तीसरा है 4 अंडर रूट 6, चौथा है 12 अंडर रूट 6, यानी डी मेरा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin θ बराबर √3/2 हो तो tan θ बराबर व्हाट क्या, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले अगर यदि हम लोगों ने थीटा का मान निकाल लिया तो यहाँ पर हम लोग थीटा का मान रख देंगे तो tan θ पता चल जाएगा ना। तो कैसे होगा गाइस ये क्वेश्चन, तो sin θ बराबर √3/2, ठीक है। तो गाइस साइन में किसका वैल्यू √3/2 होता है, तो गाइस आपको ये याद होना चाहिए, sin 60 बराबर हमारा क्या होता है, √3/2। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, sin θ बराबर sin 60 का वैल्यू आ गया। अब यहाँ से हम लोग को थीटा का वैल्यू पता चल गया 60 डिग्री, यानी थीटा जो है वो आपका 60 डिग्री है। तो यहाँ से आप लोग tan θ इजीली निकाल सकते हैं, तो tan θ यानी थीटा की जगह आप लोग 60 डिग्री रख दीजिए तो क्या हो जाएगा गाइज, ये तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3 जो है मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आइए ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है 3/2, दूसरा ऑप्शन है 1/2 और तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है अंडर रूट 3। तो यहाँ पर मेरा जो राइट आंसर है वो अंडर रूट 3 यानी ऑप्शन डी है मेरा राइट आंसर।